हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस, स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो गाइस, सुबह की शुरुआत हो गई है, कब से वो भी आप सब लोगों के प्यार के साथ। बस जस्ट अभी क्या चीज़ है गाइस कि कल एक तो काम छूट गए क्योंकि बारिश आ गई थी, उसकी वजह से जो आज का थोड़ा सा काम रहता ना वो डिले रह गया। उसकी वजह से क्या हुआ कि मुझे सुबह सुबह ये सूट पहन के ना फटाफट से मैंने नहाई हूँ, पूजा करी है मैंने, और अभी तो आज रात को बहुत लेट सोए हैं गाइस। हमें 5 बज गए थे सुबह, 5 साढ़े 5 बज गए थे। उसके बाद सब लोग सोए हैं अपना डांस वांस करके, उसके बाद सुबह लेट उठे, उसकी वजह से सारा काम लेट हो गया। तो अभी मुझे इमरजेंसी जाना पड़ रहा है रौनक के लिए, क्योंकि उसका ड्रेस पहले कुछ और था, अब उसको लग रहा है कि कुछ और आना चाहिए। तो उसके लिए मुझे इमरजेंसी जाना पड़ रहा है क्योंकि उसको थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं मेरे पास भी वो चीज़ होनी चाहिए। तो दैट्स वाई तो मैं उसको लेके जा रही हूँ अभी तिलक नगर मार्केट, वही भागम भाग में। तो बस अभी जाते हैं, देखते हैं क्या पसंद आता है क्या पसंद नहीं आता, तो उसके बाद देखते हैं डिसाइड करते हैं। तो मैंने अभी कल वाला सूट पहन लिया क्योंकि सामने यही नजर आ रहा था फटाफट से, तो मैंने यही पहना फटाफट से भागने के लिए। तो मैं मिलती हूँ आपको बाहर जाके गाइस। चले फिर हम लोग। हाँ चलो चलो दीदी, है ना, देर होगी। भाभी भी है ना, भाभी भी तैयार हो रहे हैं, अभी चीना भी तैयार हो रही है, फिर हम लेट हो जाएंगे क्योंकि भैया वगैरह कन्नू को तो कोई काम है नहीं। नहीं, उन्होंने तो कपड़े पहनने और चलता है उनका तो खाना होना है बस, काम खत्म हो गया। मम्मी मम्मी क्यों कर रही हो? मेरे लिए नान पड़ाई ले लो। नान कढ़ाई, नान खटाई, नान पड़ाई नहीं, नान खटाई खाओगे आप? ठीक है मैं ले लेती हूं। चलो आप ले लो, चलते फिर है। ठीक है चलो चलो। डॉली भाभी का तो मेकअप स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हो अभी तो बहुत ज्यादा होगा, तो अभी तो स्टार्ट हुआ है तो बहुत टाइम लगने वाला है, तो धीरे धीरे करके। नहीं इसको पता है कि हमारी 25 कैसे होगा, 25 मिनट और लगेंगे उसके बाद रेडी हो जाएगा। ठीक है, और हेयर स्टाइल तो आप ही करोगे ना? चलो ठीक है, आप तैयार हो फिर हम भी होते हैं। बिल्कुल, तुम भी आ जाओ फटाफट। ठीक है, और सोनिया भाभी रेडी खड़ी है यहाँ पे, उनको दिखा नहीं सकते अभी मैं गाइस। मेहंदी देखो, मेहंदी है सजनी, ये फेड हो गई है बोली। ये फेड इसलिए हो गया गाइस क्योंकि ये वाला हाल मेरा पानी में गया है थोड़ा सा ज्यादा, कल से जब मैंने लगाई थी उसी टाइम से, बट हाँ ये वाला पानी में हाल मैंने डाला ही नहीं बहुत कम, क्योंकि एक हाथ का यूज कर रही थी। ठीक है कोई बात नहीं, पर ये देखो कितना डार्क चढ़ गया, और ये देखो रौनक का ये राइट वाला ना, इससे ज्यादा काम हो रहा था ना इस वजह से। अच्छा, बस अभी मैं रेडी होने जा रही गाइस। और गाइस हम फटाफट से चाय पी रहे हैं, जल्दी पी रहे हैं क्योंकि जल्दी जाना भी है, फिर आपने मेकअप भी करना है, चूड़ा भी करना है, इसलिए यहाँ पे हमारी चाय बन गई 4 बजे। वो भी 4 बजे चाय बन के रेडी हो चुकी है, बाकी सब तैयार होने में लगे पड़े गाइस। मैं भी बस अपने कपड़े चेंज करने लगी हूं, और रौनक की पूरी सेटिंग हो चुकी है, रौनक के लिए मैं मार्केट गई थी गाइस अभी, और उसके लिए इमरजेंसी मुझे लेके आना पड़ा ब्लेजर। तो उसको थोड़ा सा लग रहा था कि मम्मी पैंट शर्ट है, बाकी सब ये पहन रहे क्योंकि पहले सबका पैंट शर्ट हो रखा था, फिर सारे कोर्ट पे आ गए अपने, सब पहले सबका पैंट शर्ट था, फिर लास्ट मोमेंट में सारा कि नहीं ब्लेजर लेंगे। तो बोली वैसे पैंट शर्ट सिलवा देते, मुझे पहले से आइडिया था ना कि ये सब चेंज होने वाला था, मैं इसका पहले से गोल्डी पैसे बनवा देती, बट हाँ इसकी पैंट शर्ट गोल्डी पे बहुत अच्छी रेडी करके दी। वो अभी दिखाएंगे, सामने ही पड़ी, इधर पड़ी है लेकिन नहीं दिखाएंगे हम, वो अभी रौनक रेडी हो जाएगा फिर आपको पूरा फोटो दिखाएंगे। तब तक आप चाय पियो और ऊपर जाओ मेकअप करवाओ। हाँ ठीक। तो गाइस अभी हमारा मेकअप स्टार्ट हो चुका है, डॉली भाभी का तो ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है, बस थोड़ा सा दुख उनका अभी रह गया है। तो स्टार्टिंग में सभी होगा, भाभी अभी सोने भाभी को नहीं दिखा सकते, उनका अभी सीक्रेटली चल रहा है, वो कह रहे हैं अभी मैं नहीं दिखाऊंगी प्रॉपर, पूरा रेडी हो जाऊंगी तब आऊंगी। तो अभी मेरा तो स्टार्ट होगा गाइस, तो अभी बस कर रहे हैं सेटिंग अपनी धीरे धीरे करके, रौनक अभी नीचे जाके तैयार होगा, तो अभी देख सकते हैं पूरा का पूरा फायदा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि कोई ना कोई सीट उठानी पड़ती है बार बार करके, तो इस वजह से अभी थोड़ा सा हम लेडीज लोगों का टाइम लगेगा। मम्मा तो थोड़ी बहुत तैयार हो ही चुकी है, अच्छी लग रही है लाइटिंग लाइटिंग भी आ रखी ना। ऐसा अभी मम्मी तो हो रही है तैयार, बाकी तीनों हो रहे हैं अभी, ललता मम्मा के साथ बाहर से हो रही है तो मेरे को पता नहीं है, कुछ तैयार होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं नीचे अपने चिप्स खाऊंगा अभी, मेरा भूख लग रही है, मेरे को चाय पी है, मैंने सिर्फ रस खाया है, खाने में उससे मैगी खाई क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पर जाके तो खानी है सब कुछ, इतनी सारी चीज़ें खाने सब कुछ ट्राई करना है, पेट ना बचे, इसलिए कुछ चिप्स खाऊंगा नीचे जाके। यहाँ पर जो मेहंदी का हमने डेकोरेशन कर रखा था वो भी हटा दिया क्योंकि हमें एंगेजमेंट पे जाना है, वो सारा हटा दिया है, और एंगेजमेंट पे भी वही करेंगे भैया जिनने ये मेहंदी का किया था डेकोरेशन। कल रातों से तबाही मची थी एकदम, रात के 4-5 बजे तक नाचे थे ऐसे, सच को तो मैं उसमें उन्होंने सोना भी था, उसके बाद मैं एडिटिंग करके सोया था, बहुत लेट सोया था, मज़ा ज़रूर आया। पायल दीदी ने एकदम रौनक लगा दी थी, माँ मेरे को लगा दी थी, तो बेचारी चीखी भी की उबासी ले रहे हैं, इनको नींद आ रही लगता है, सो गए अब तो दोपहर ही, दोपहर भी नहीं शाम हो रही है, मतलब शाम होने लगी है तो इनको सोना है साथ में, अभी सो गए तुम फिर रात को नींद नहीं आएगी, मैं बता रहा हूँ देख लो तुम्हारे पास मौका है सोएंगे मेरे चोई चशे बाबू, ये बेचारे अकेले दुखी ना हो जाए,
इनको भी ले जाते हैं कि इनके कपड़े होते हैं। क्या हंस क्या रहा है तू? ऐसे हंसता है ये, ऐसे ऐसे सिर हिला कर अपना। कुछ 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 गुस्सा आ गया। तो गाइस मैं आ चुका हूँ मम्मी के साथ। मैं गया था बार्बर की शॉप पर, और वहाँ से मैं अपनी दाढ़ी, बहुत सारी दाढ़ी आ रखी थी वो मैंने हटवा दी, क्योंकि ना दाने आ रखे थे इतने सारे, तो मैं इसकी वजह से ही आ रहे थे यहाँ पे, भरे थे यहाँ पे, देखो भरे हुए भरे हुए। तो उसको हटाने के लिए मैं सोचा ये हटा देते हैं, फिर क्लीन भी लगेगा फेस, और एंगेजमेंट पर जाना भी है वहाँ, थोड़ा बेटर लगूँगा मैं। तो बस अभी मैंने ये कर लिया, मैं फेस वॉश करके आता हूँ। मैंने लग रहा है, मैंने उंगलियों पे लग रहा है थोड़े थोड़े, तो बस फेस वॉश करके आया मैं। तो गाइस मम्मी की बारी हो रही है तैयार होने की। अभी लेट नहीं होगी ज़्यादा? लेट नहीं हो गया ज़्यादा? नहीं, 5:30 हो गए। अच्छा अभी हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो गाइस देखो मम्मी ने अब जाके तैयार होना शुरू की है। मम्मी देखो अभी 5:20 हो रहे हैं और अब तैयार हो रही है मम्मी, तो इस हिसाब से मम्मी को तो अभी टाइम लगेगा काफ़ी। और देखो मैंने चिप्स खाए, तो मेरे को हाथ में थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, और पूरे दिन मेरे को खाना भी इसलिए मैं पीऊँगा लाहौरी जीरा, तो पूरा मेरे घर पे भी मैं खाता पीता रहूँगा, वहाँ पे भी जाके खाऊँगा। इसको नीचे करने के लिए मेरे को भी लाहौरी जीरा चाहिए, तो अभी मैं ये पीऊँगा और देख तो आगे क्या खाना है। गाइस देखो खुद को खा रहा है। ओए ओए छोटे से कबूतर, क्योंकि तो मोटू सा है। गाइस अभी मेरा हेयर स्टाइल हो चुका है, आप देख सकते हो, और अभी मेरा मेकअप स्टार्ट होने वाला है, तो अभी देखते हैं अभी रेडी होके कैसे आएगा, क्योंकि मेरे को तो बहुत प्यारा हेयर स्टाइल लग रहा है इन्होंने बनाया। इनका जो लिंक वगैरह है मैं इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे दोनों जगह पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप एक बार जरूर जाके इनको देखना और इनका पेज है वो फॉलो करना। बहुत अच्छा मेकअप कर रहे हैं मैम तो, क्योंकि ये डॉली भाभी को भी रेडी कर चुके हैं, सोने भाभी को भी रेडी कर चुके हैं, और अभी मेरी बारी है, तो अभी देखते हैं मेरा कैसे होगा। तो बाकी इनका हेयर स्टाइल तो बड़ा मस्त बना रखा है। गाइस देखो मम्मी का चेहरा, आपने लेंथ लगाया क्या? हाँ, आपका आंखों का कलर चेंज लग रहा है थोड़ा। अच्छा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा अलग लग रहा है, इसलिए पूछ रही थी। अच्छा लग रहा है, अभी और होगा मतलब। चलो ठीक है फिर मैं आता हूँ। गाइस मम्मी मेरे को कह रही थी कि जब मैं तैयार हो जाऊंगी ना, तब तेरे को कपड़े मतलब दिखवाऊंगी, पहनवाऊंगी, मतलब पहन तो मैं सकता हूँ कुछ, लेकिन मम्मी मतलब तैयार करेगी ढंग से, मतलब कुछ गड़बड़ वड़बड़ ना करूँ मैं। तो अभी मम्मी का मेकअप भी ख़त्म नहीं हो रहा, 2 घंटे हो चुके हैं, मेरे को पता नहीं कब मैं तैयार हूँगा, कब जाऊँगा। मेरे को लगता है आज जल्दी हो पाएगा, आज भी हमेशा हमारी फैमिली ना फंक्शन पर लेट ही पहुँचती है, इस बार भी यही होगा। सामने पड़े मैं चेक कर सकता हूँ, मैं पहन सकता हूँ, लेकिन मम्मी मना कर रही है मेरे को, मेरे को समझ नहीं आ रहा करूँ क्या करूँ। एक और बात, आधे लोगों को तो याद ही नहीं है कौन से बैंकिंग हॉल में जाना है। ललिता अम्मा को याद होगा ना, मेरे को याद था ना, बड़े पापा मुझसे पूछ रहे थे याद है तेरे को, मेरे को इतना याद था मोती नगर में कुछ है वगैरह, बाकी मेरे को पूरा याद नहीं था। तो वहाँ पे ये दिक्कत हो रही, मम्मी को भी याद नहीं, ऊपर किसी से पूछा नहीं, तो हाँ अभी बैंकेट हॉल ही नहीं पता किसी को, पता नहीं जाएंगे कैसे हम ना। गाइस हो जाएगा फटाफट से, अभी मैं मम्मी छोड़ो, मम्मी मैं खुद तैयार हो रहा हूँ, मैं कपड़े पहन रहा हूँ। मैं मम्मी कह रही थी, मैं ऊपर गया था मम्मी से पूछने कि मम्मा मैं खुद कपड़े पहन रहा हूँ, मैं मम्मी कह रही नहीं 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 सेब काट के खा ले, मैं आ रही हूँ। और ये बोला था मम्मी ने 15 मिनट पहले, अभी तक मम्मी तैयार नहीं हुई है, अगर मम्मी तैयार हो गई होती तो मेरे को बुला लेती, लेकिन अभी तक कोई नहीं तैयार। चीकी बिकी तो अब सोने की तैयारी में, इनका सही है, सो उठो खाओ सो, इनकी ज़िंदगी बेस्ट है, कुछ भी करने को नहीं है इनके इनके पास। टीवी भी देखते हैं साथ में, आप टीवी देखते हैं और सोते रहते हैं। बाल कितने बढ़िया लग रहे हैं, सही सेट हुए एकदम। मम्मी देखो, गाइस मैं भी रेडी हो चुकी हूं, और बाल कितने बढ़िया सेट करते हैं, तुमने थोड़ा सा डिफरेंट अपना करा है, मैं तभी करके गई थी साड़ी पहन के, वो फूलों वाला पूरा लुक आपको अभी दिखा।